बुद्ध के निंदकों ने बुद्ध की निंदा करने में पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ तक कि एक वैश्या को तैयार किया और वैश्या आकर काशी में बोलती थी कि अब बुद्ध जैसा मुझे ग्राहक मिल गया है, इसीलिए मैंने अपना मकान पे रहना बंद कर दिया, मैं जेतवन में ही रहती हूँ और बुद्ध की सेवा में रहती हूँ, अर्थात बुद्ध के साथ में व्यभिचार करती हूँ। इतना कुप्रचार हुआ कि बुद्ध के अच्छे अच्छे भगत भी भाग गए, बुद्ध शांत रहे। आखिर कुप्रचार ने जोर लिया तो जांच कमीशन बिठाई जाए। भक्तों ने भी किया कि ये झूठा आरोप है, सच्चे भक्तों ने विरोध किया और दूसरे लोगों ने भी किया कि जांच कराई जाए। तो वैश्या को, जिसको वैश्या को इस काम में लगाया था, उस वैश्या को ही दारू पिलाकर 5 लोफरों के साथ उसका खूब काम विकार करके रात को बुद्ध के बगीचे में, जेतवन में, आम के बगीचे में खड्डा खोद के वैश्या की लाश को गाड़ दिया और फिर जांच करो, आजकल वैश्या दिखती नहीं है, बुद्ध ने मरवा दिया होगा। और मरवाया किसी ने, लेकिन लाश निकली बुद्ध के आम के बगीचे से। बताओ, रंगे हाथ बुद्ध पर लांछन लगा, लेकिन बुद्ध अभी करोड़ों हृदयों में सम्मानित है। षड्यंत्र करने वाले कहां मर मिटे मुझे पता नहीं। प्रसिद्धि भी देख ली तो निंदा भी देख ली, जीवन भी देख लिया, मृत्यु भी देख लेने के लिए हम तैयार हैं। मृत्यु कभी हमारी हो नहीं सकती, हम हैं अपने आप मौत के बाप। जिसकी मौत होगी वो शरीर होगा, हमारा अब साधो हम ना मरेंगे अमर भय। ये क्यों बताता हूँ आपको कि आप भी ऐसे भाव में जागृत हो जाओ। पूरे सत्संग एपिसोड को डाउनलोड करने के लिए लॉग ऑन करें ashramisto.com/videos और क्लिक करें एपिसोड नंबर 726 पर।